मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका भाई सेट और आप देख रहे हैं स्वैग चोरा सेट व्लॉग्स। तो गाइस, हो चुका हूँ अभी सुबह रेडी, टाइम से वही वाले ऑफिस के टाइम से उठ गया। अभी फिलहाल नाश्ता कर लिया है मैंने, दूध और पराठे का। अब मैं और मम्मी जा रहे हैं मासी के घर पे मिलने, मासी से। तो मैं और मम्मी ही जा रहे हैं, शगुन तो रहेगी घर पे पड़ेगी हूँ क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। और सामने बैठी है दादी, तो कोई नहीं, जा रहे हैं आप। संडे संडे है, वही मना दे, कोई नहीं, चल दे। चुन्नी कौन से पैसे ले लिए तेरे? हाँ तेरे 70 रुपए, मम्मी ने 70 रुपए तेरे को दिया, तू 70 मांग रही है। पाँच रुपए में कुरकुर आ जाता है। अच्छा, बैठ चुके हैं 159 के अंदर, खा लिए बस, अब लोग आने लग रहे हैं। वो भी मेरी फेवरेट है बस, 78 डेली बेसिस वाली, जो धोखा देती रहती है, कभी टाइम पे नहीं आती। इसके चक्कर में बड़ा लेट जाता हूँ ऑफिस में। तो क्या हो गया मासी? मासी ऐसा अंबर थोड़ी होता है मासी। ये क्या है? बहुत टेस्टी भाई। मेरी है ना बहन, बहुत अच्छा सांभर बनाती है, इतना ग्रेट सांभर, इतना टेस्टी। तो डोसे वाली घोषित कर दे। किसी का सांभर पसंद नहीं है, किसी के हाथ का पसंद नहीं। तो फिर मैं से बाहर से इटली भी डोसा मंगवाती हूँ। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। मंगवा मत लेना, ये बोला है मैंने मत लेना। तो मंगाया ही कब है? जो मंगा लेना भाई, जब खाना है तो यहाँ पे खाना है। मुंडे मेरे पास अब सही लग रहा है बेटा, तू अब सही लग रहा है। पहले तो तू भिखारी लग रहा था, भिखारी। अपनी इडली और सांबर, मम्मी ने तो पहले सांबर पी लिया, अब इडली खाएंगी। क्या कर रहे हो? गाइस भाई, ये ऑसम क्या इडली है, देखो क्या इडली है, देखो ऐसी टूट रही है। और क्या कहते हैं सांबर, एवन बहुत मस्त है। इडली सांबर खाना है तो बुराड़ी आ जाओ, आ जाओ मासी के हाथ का। पर कैसे पड़ा हुआ भाई, दुखी है अपनी जिंदगी में यार तू बड़ा। कोई नहीं, मैं तो जा रहा हूँ भाई साहब स्कूटी लेके आशा जी की, घूम फिर के आता हूँ थोड़ा बाहर। शाम का नाश्ता, तो नाश्ते में है चाय, तो मासी लेती हैं बिल्कुल। क्या वो मेरी बहन ने बनाई है, इसको कहते हैं पिनिया, हमारे राजस्थानी में कहते हैं लड्डू और पंजाब में कहते हैं पिनिया। हाय हाय, ये तो खा के मजा आ गया मासी ने, जब टेस्टी बनाई, टेस्टी मजा आ गया। आगे बाकी लोग खाएंगे, कोई नहीं है, हम तीन ही है क्या। सो गाइस, निकल चुके हैं मासी घर से और जा रहे हैं मम्मी और मैं घर वापस। 159 आ चुकी है, एक ही रिक्शा लिया, उसके बाद फिर एक और ही रिक्शा लिया शालीमार बाग के लिए। अब आ गया अपनी 159, 78 का भाई मैं इंतजार नहीं करता, 78 का कुछ नहीं कह सकते भाई।
भरोसा नहीं। अभी हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। आ चुके कृषि कुंज में। राइट गाइस, आ चुका हूँ घर पे। मम्मी लेने लग गई थी सब्जी मार्केट में और यहाँ खड़ी है शगुन। शगुन के चल रहे हैं पेपर, पहले लग नहीं रहा, पढ़ रही पढ़ रही है। कौन सा पेपर है लास्ट? साइंस। साइंस में तो साइंटिस्ट ही बन जाएगी तो लग रहा है ना। मैं थोड़ी देर आया हूँ घर पे और संडे के दिन है, जैसे कि मैं घूमता बहुत हूँ आपको पता है, तो बाहर घूमने जाऊँगा थोड़ी देर में। मम्मी आ जाए फिर। कहाँ गई? रस्ते में तो थी ना, मैं तो सब्जी ले रहा था। मैं क्या मम्मी सब्जी ले रहा था ये गाइस। कोई नहीं, मिलता सिगरेट बात पता लग गई, सब्जी लेता है। मैं तो नहीं लेता सब्जी, लेता है सब्जी। जब बाबा भगत पर बहुत खुश होते हैं तो उसे खाटू बुलाते हैं, और जब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तो उसके घर पे कीर्तन होता है और बाबा खुद खाटू से चलकर उसके घर पर आते हैं। ऐसे ही किसी एक भगत की नहीं, हर भगत के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने घर पर कीर्तन करवाए और क्या क्या लाभ उठाना चाहता है। आइए जरा सुनते हैं। Too late.
सब जा रहे हैं खाटू श्याम जी से दर्शन करने। ये है निशान, खाटू श्याम जी के निशान लेके जा रहे हैं। हेलो, आ चुका हूँ घर पे और यहाँ पर आ गया मेरा खाना। खाने में है आज स्पेशली मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी बनाएगी मटर पनीर और ये है सेवैयाँ और रोटी। मैं हमेशा घूमता रहता था इधर से उधर और पापा और दादी कल जा चुके हैं राजस्थान पाली मारवाड़। शगुन आज चली गई है खाटू श्याम जी के दर्शन करने। आस पड़ोस के खूब सारे लोग गए हैं और कल सुबह सुबह मम्मी चली गई। हाँ, मम्मी खाना खा रही है। मम्मी कल सुबह भी मम्मी भी राजस्थान चली गई किसी काम से। मैं हर बार मैं घूमता था, हर टाइम मैं घूमता था और इस बार ही फर्स्ट टाइम है कि मैं ही घर पर। चलो पहले खाना खा लेता हूँ फिर करते अपन आगे बात। तो गाइस खा लिया है खाना मैंने और मम्मी यहाँ कुछ पैकिंग शेकिंग करने में लगी हुई हैं। अब दो तीन दिन रहना पड़ेगा घर में अकेला। मैंने क्या आधे से ज़्यादा दिन तो बाहर ही रहता है ऑफिस, उसके बाद बाहर चले जाता हूँ। घर में आता हूँ क्या खाना खाने और सोने के लिए। बाकी फिर भी घर पे आने पे ऐसा लगना चाहिए ना कोई है। अब घर दो तीन दिन ऐसा लगेगा सोना सोना है। थोड़ी सी वॉक करते करते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बेसिकली आपको मैंने बता दिया दादी और पापा कल जा चुके हैं पाली मारवाड़ जोधपुर। शगुन गई है खाटू श्याम जी के दर्शन करने जैसे कि आस पड़ोस के सारे गए हैं हमारे लोग। और मम्मी को भी राजस्थान कुछ जाना है काम से तो मम्मी भी कल सुबह चली जाएंगी। मम्मी को सुबह दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आना पड़ेगा। मैं रह जाऊंगा घर पे अकेला। ये अत्याचार हो रहा है मेरे पे। क्यों हो रहा है? तेरा भाई क्यों? एक और भी तो है का भाई विमल भाई। अरे वो तो है कोई, पर फिर भी वो भी तो साथ ही रहेगा। और एक बात अलग है ना कि घर में सारे लोग जा रहे हैं, कोई इधर कोई उधर है और मैं घूमने वाला बंदा मैं टिक रहा हूँ घर पे। बहुत बड़ी बात है, मैं डेली बेसिस में टिकता हूँ। हाँ, खाटू श्याम जी का मतलब अब जा रही है ना जो शगुन, तो यहीं से आस पास में जितने जहाँ तक मम्मी जा पाई थी तो मम्मी ने वहाँ का शूट कर दिया। तो आप लोगों ने देख ही लिया, आपने देख ही लिया होगा ब्लॉग में पहले कैसे कि शगुन जा रही है। सारे लोग आस पड़ोस के खुश हो के हर साल फाल्गुन के महीने में जाते हैं तो इस बार ही शगुन भी गई है। तो मेरा रह जाएगा घर पे, अकेला रह जाऊंगा दो तीन दिन। कोई नहीं, घर पे खाऊंगा पीऊंगा, क्या करूंगा, फ़ोन चलाऊंगा, सो जाऊंगा जैसे डेली के रूटीन से। तो अब मैं कर लेता हूँ यार इस तो अब यार मैं कर लेता हूँ एडिटिंग। तो फिलहाल बज रहे हैं 12 क्योंकि सुबह मम्मी को जाना है छोड़ने 8:30 बजे समथिंग की ट्रेन है। तो 7:30 बजे सुबह निकलना पड़ेगा और 6:30 तक उठना पड़ेगा। मैं 8 बजे तक आराम से उठता हूँ, फिर वहाँ से सीधा ऑफिस निकलना है मुझे। तो इस ब्लॉग को यार यहीं पर कर देता हूँ मैं एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार तुम्हारे भाई का चैनल है स्वैग चोरा सेट का। गुड बाय एंड टेक केयर।